मैं केरला से हूँ और मेरी बेटी आइसिस में अपने पति के साथ टेररिस्ट थी। अफगानिस्तान में यूएस के ऑपरेशन के दौरान मेरी बेटी का पति मर गया, तो मेरी बेटी अब वापस भारत आना चाहती है अपने घर में, मगर मुआ मोदी उसे वापस नहीं आने दे रहा। मोदी फासिस्ट है, फासिस्ट। ये देखो, ये हिंदू वाले भी कह रहे हैं कि भाई मेरी बेटी को वापस आ जाना चाहिए और कोर्ट में, भारत के कोर्ट में इनका ट्रायल होना चाहिए। कितने अच्छे लोग हैं, मगर ये मोदी तो फासिस्ट है, फासिस्ट। तो दोस्तों, केरला एक हॉट बेड बन चुका है इस्लामिक टेररिज्म का। केरला के कई लोगों ने बीते सालों में आईसिस को ज्वाइन किया है। अब सवाल ये है कि आईसिस ज्वाइन करने वाले लोगों में सबसे बड़ा नंबर केरला से क्यों है, इसका राज क्या है, ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई जा रही है कि सीधा आईसिस ही ज्वाइन कर ले रहे हैं, क्या केरला पाकिस्तान से भी बड़ा इस्लामिक राज्य बन चुका है। आइए देखेंगे अपीजमेंट की पराकाष्ठा को। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। भारत से आईसिस ज्वाइन करने वाले अभी तक 280 लोगों का पता चला है और इनमें से 2017 से 2019 के बीच में ही 150 केरला के लोगों ने आईसिस ज्वाइन किया था। तो आप इस नंबर से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम आईसिस ज्वाइन करने वाले भारतीय केरल के हैं। देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य के लोग अगर टेररिस्ट बनते हैं तो या तो प्रॉब्लम हमारे देश की पढ़ाई में, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में है, या फिर पढ़ाई लिखाई का टेररिज्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे तो हमें पता ही है कि मैथ टीचर से लेकर पीएचडी वाले तक सब टेररिज्म की दुनिया में मिले हैं। खैर, कहा तो ये भी जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जरूरत नहीं है, जरूरत है लोगों को एजुकेट करने की, और अगर लोग एजुकेट हो जाएंगे तो अपने आप ही जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा सबक केरला हमें दे देता है। केरला में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन तीनों की अच्छी खासी संख्या है और केरला में मुसलमानों की जो परसेंटेज है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से 26% है, लेकिन साल 2015 में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उसमें से 42% बच्चे मुसलमान हैं। प्रदेश में क्रिश्चियन और हिंदुओं का बर्थ रेट कम हो रहा है, मगर मुसलमानों का बर्थ रेट अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। तो एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई समन्वय नहीं है, ये दिखाई पड़ता है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि केरला के मुसलमान पढ़ा लिखा है। तो केरला के लोग ही ज़्यादातर आईसिस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ये सवाल है। तो इसके पीछे एक क्लियर कट आंसर तो कोई नहीं है, लेकिन कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं, जिसमें से एक बड़ा फैक्टर है मोदी और मोदी विरोध। मीडिया हाउसेज और स्टेट गवर्नमेंट मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि मुसलमानों में डर का माहौल बीते दिनों में बनाया गया है। बार बार टीवी पर बैठकर चिल्लाया गया है कि डर का माहौल हो चुका है, मुसलमान डर रहा है, मुसलमान को इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा, मुसलमान के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए हैं, डिटेंशन कैंप बनाए गए हैं, मुसलमान की लिंचिंग हो रही है, अमीर से अमीर मुसलमान इस देश में डर रहा है। आई मीन व्हेन आई सिट एट होम एंड टॉक टू किरण, यू नो किरण एंड आई have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. ये फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। तो आम मुसलमान का क्या ही हाल होगा? देश के वाइस प्रेसिडेंट को लगता है मुसलमान डर चुका है, इतना इंटॉलरेंस बढ़ गया है कि अवार्ड वापस करने पड़ रहे हैं। देश के मुसलमान को हिंदू भगवान के पोस्टर से, मूर्ति से डराया जाने लगा, जबकि ये बातें फेक थी। लिंचिंग का डेटा वो डेटा देने वाली वेबसाइट तक मान चुकी है कि फेक था। साहित्य अकेडमी के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने मान लिया अवार्ड वापसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, जबकि हामिद अंसारी से पूछा गया कि मुसलमान क्यों डर रहा है तो उसके मुंह से अब्बा डब्बा चब्बा के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। देखो, लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर, तो वो भी गलत तो है। हिंदू भी इनसिक्योर है, मतलब ठीक हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द जनरल पब्लिक ऑन सर्टन सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है, ऐसा नहीं है। मैं जिस चीज पे, जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था, मैंने कह दिया था उसमें हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह से। हो सकता है ईसाइयों में, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, नहीं है। बस सर यही तो मैं, और मैं आपसे, तो आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीय में, उस कॉन्टेक्स्ट में, यस। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था, अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग
थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लेकिन इतना डर फैलाया गया कि आईसिस के प्रीचर जिसने केरल के 26 मुसलमानों को ताजा ताजा आईसिस में ज्वाइन कराया था, उसने खुद ने कहा जब से मोदी आया है तब से मौज है, मुसलमान डरा हुआ है भारत में और अल्टरनेट की तलाश कर रहा है और आईसिस एक अल्टरनेट है। तो इस डर को फैलाने की जिम्मेदारी किसने निभाई? ना केवल डर बल्कि एक्सट्रीम अपीजमेंट तक की गई है स्टेट्स के द्वारा। केरला की करंट गवर्नमेंट का अपीजमेंट लेवल तो यह है कि देश की 33% कोरोना केसेस केवल और केवल केरला से आ रहे हैं। फिर भी ईद के लिए कोरोना से बचाव की कड़ाई की जगह रिलैक्सेशन दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ईद के चलते 3 दिन कोविड के रूल्स पर छुट्टी, ईद पर कोरोना नहीं होता होगा शायद। मतलब आलम यह है कि पाकिस्तान में ईद के दौरान लॉकडाउन लगा दिया गया है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तो लगा दिया। सऊदी अरेबिया में हज यात्रा बैन कर दी गई है कोविड को देखते हुए, मगर केरला पाकिस्तान सऊदी से ज्यादा मुसलमान हो गया है और लोगों को कह रहा है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। एक तरफ मीडिया झूठी रिपोर्ट्स के आधार पर भारत के मुसलमानों पर डर फैला रही है, दूसरी ओर केरला के कोविड मैनेजमेंट को लेकर अच्छाइयों के पुल बांध रही है, कहती है केरला की तरह पूरे देश को कोविड मैनेज करना चाहिए, केरला मॉडल ही असली मॉडल है। में हम देखना चाहते हैं कि कोविड 19 से होने वाली लड़ाई को लेकर क्या केरल ने कोई नया मॉडल पेश किया है भारत के भीतर या फिर दुनिया के सामने। कई लोग राजनीतिक चटखारे लेते हुए कहते हैं कि गुजरात मॉडल बनाम केरल मॉडल की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को। और इसी बात के साथ साथ ये भी जोड़ दिया जाएगा कि केरला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, यहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि सभी लोगों को पढ़ा देती है, मगर कमबख्त मीडिया ये बात बताना भूल जाती है कि भारत जब आजाद हुआ था यानी 1947 में केरला की 47% पॉपुलेशन साक्षर थी यानी एजुकेटेड थी, और तब से अब तक 94% का ही सफर केरल ने तय किया है। अब 47 में यूपी में 10% की साक्षरता, बिहार में भी 10% की साक्षरता थी और अब वो 70 से ऊपर पहुंच चुके हैं, तो किसने बेटर काम किया बताओ। भारत एक सेक्युलर देश है और भारत का कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर ये कह देता है कि इस वर्ष कावड़ यात्रा नहीं होगी, जबकि पिछले वर्ष कावड़ महासभाओं ने खुद ने कांवड़ यात्रा को बंद कर दिया था। और इस वर्ष जब उत्तर प्रदेश ने कहा कि कोर्ट को संज्ञान लेने की क्या जरूरत है भाई, हम अपने हिसाब से लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, कांवड़ करने के नियम बनाएंगे और ये काम सरकार का है, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ महासभाओं से बात की और कांवड़ महासभाओं ने फिर से कह दिया कि कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर देना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ पर बैन लगा दिया गया, मगर जब तक बैन नहीं लगा था तब तक टीवी शोज पर हाय हत्या मची हुई थी कि कांवड़ यात्रा को कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा, हिंदू सुप्रीमेसी। मगर अभी जो केरला में हो रहा है उस पर गजब की शांति है और बस यही अपीजमेंट बिना वजह का डर फासिज्म दिखाना और बिना किसी मुद्दे के उसे मुद्दा बनाना, भारत में इस्लामोफोबिया दिखाना, यही सब कारण बनते हैं लोगों के आईसिस ज्वाइन करने के। इनके माइंड्स बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं और रवीश स्वराज जैसे लोगों को सुनकर और फिर इन्हीं वल्नरेबल माइंड्स का फायदा उठाते हैं आईसिस के कैप्चर करने वाले लोग, और कुछ इसी वजह से इन लोगों को कैप्चर किया जा रहा है। उम्मीद है आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। साथ ही साथ अगर आपको हमारी मर्चेंडाइज लेनी है तो उसके लिए भोकालफैक्ट्री.com पर आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।